कैडेट स्कूल एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल आज जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचा, जहां उन्होंने गुहार लगाई कि जो भी अभिभावक स्कूलों के खिलाफ मनमानी फीस का आरोप लगाते हैं, उनकी बात मानते हुए प्राइवेट स्कूल के संचालक से भी इस बारे में बात कर ली जाए। प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि अभिभावक जो मानसिकता लेकर चलते हैं कि उन्हें स्कूल की फीस जमा नहीं करनी है, वह आकर स्कूल संचालक पर शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसके चलते स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय का यह भी आरोप था कि एक तरफा कार्रवाई में स्कूल संचालकों को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्कूल अनुदान प्राप्त नहीं है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा कही गई बात कि उनको स्कूल या अन्य प्राइवेट स्कूल है वह अनुदान प्राप्त नहीं है, कितनी सही है ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि प्रत्येक विद्यालय में कुछ पालक ऐसे हैं जो साल भर तो फीस जमा करते नहीं हैं, और साल भर जो है वो सर कर देंगे करके मामला चलता रहता है। हाफ ईयरली में कर देंगे तो साहब जो आपके एनुअल परीक्षा होगी उससे पहले आपका पूरा क्लियर कर देंगे, ऐसे करके वो समय आगे निकाल लेते हैं, और फाइनली जब एनुअल एग्ज़ाम आता है तो उस समय वही पालक आके या तो जनसुनवाई में खड़े हो जाते हैं, या डीओ साहब के पास पहुंच जाते हैं, किसी पत्रकार बंधु के पास पहुंच जाते हैं, अनेक तरह से संस्थाओं पर दबाव बनाते हैं, और उन्हें देख के जो बहुत सारे अच्छे पालक हैं कहीं ना कहीं वो भी प्रेरित होते हैं। तो स्थिति ये बनी हुई है कि हर विद्यालय में कहीं ना कहीं स्थिति को लेकर लापरवाही पालकों के साथ में देखने को मिलती है। तो हमें उन पालकों से प्रॉब्लम नहीं है जो देर सवेर भी फीस जमा करते हैं, समस्या उन पर है जो ना तो फीस जमा करने की पूरी तरह से मानसिकता में, उन्हें ये लगता है कि साहब जो है फीस पूरी साल हमने जमा की नहीं है, और अंत में हम जाके किसी तरह से शासन से प्रशासन के पास पहुँच के और हम इन पर प्रेशर बनाएंगे और हमारा काम। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये निवेदन कर रहे हैं कि सर आप उनकी सुनिए, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए उनसे लगने वाले शुल्क की जानकारी भी ले लें कि भाई आपने कितना जमा कर दिया, थोड़ा सा शुल्क विवरण, या संचालक को बुला लें वो अपना पक्ष तो रख दे। अब क्या होता है, एक तरफा कार्रवाई हो जाती है तो इससे लोगों के जो पालक हैं उनका कहीं ना कहीं जो अच्छे पालक हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से गैर अनुदान प्राप्त हैं,